Hello friends, hi, this is Harav Ali and front of you. Friends, आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और इफेक्टिव होगा, बिकॉज यह वीडियो बटरफ्लाई फार्मिंग से जुड़ा हुआ है। अगर आप बटरफ्लाई फार्मिंग करना चाहते हैं या उससे जुड़ा हुआ कोई भी काम करना चाहता है तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट यह वीडियो है। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको इस वीडियो से बहुत लाभ होने वाला है, बहुत फायदा पहुंचने वाला है। तो चलिए, विदाउट इन्वेस्ट योर टाइम, लेट्स गो सी द बटरफ्लाई फार्मिंग। तो फ्रेंड्स, अब हम वहां पहुंच चुके हैं जहां पे बटरफ्लाई फार्मिंग होती है, और जो करते हैं, जो पर्सन करते हैं, वो अभी हमारे साथ हैं। उनसे बटरफ्लाई फार्मिंग के बारे में बहुत कई ऐसे सवाल करेंगे और उसका जवाब हम उनसे जानना चाहेंगे, जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो हम उनसे सवाल करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? हीरा कुमार सिंह। थोड़ा आप लाउडली बोलेंगे? हीरा कुमार सिंह। और आप ये बटरफ्लाई फार्मिंग कितने दिनों से करते हैं? लगभग 10 सालों से। 10 सालों से। ये कितने बॉक्स आप यहाँ पे फार्मिंग में डाले हुए हैं? अभी यहाँ 200 हैं। लगभग 200 हैं। कितने दिनों पे आपका शहद बनकर तैयार हो जाता है? 10 दिन 12 दिन सप्ताह भी लगती है। क्योंकि आप एक बॉक्स से 10 दिन 12 दिन में रिमूव कर लेते हैं शहद को। हाँ। एक बॉक्स से कितने आप शहद बाहर करते हैं, कितने निकालते हैं? माने कोई सीजन बढ़िया रहा तो आधे किलो भी निकला, नहीं तो 2 किलो तक निकलती है हर बॉक्स में। हर बॉक्स में मैक्सिमम 2 केजी तक आ जाती है। अच्छा, ये जो आपका बिजनेस है, क्योंकि आपका ये मुख्य बिजनेस है। अच्छा, ये जो बिजनेस है ये आपका चूंकि रेगुलर सालों भर चलती है या फिर इसका कोई खास सीजन है? सालों भर चलती है, इसमें कोई कहीं से दिक्कत नहीं है। अगर कोई करना चाहता है इस बिजनेस को तो उसको इसके बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचना होगा कि यह सीजनली बिजनेस है। नहीं, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर और इसको आप बेचते कितने में और कहाँ पे बेचते हैं? क्योंकि अगर जो जिस शहद को आप निकालते हैं उस शहद को आप कहाँ पे सेल करते हैं? डाबर कंपनी दिल्ली ले जाते हैं। तो आप दिल्ली सेल करते हैं या फिर यहाँ पे कोई उसका ब्रांच खुद आता है? और उसका जो भी आदमी है कंपनी का यहाँ पे आता होगा और आपसे कलेक्ट करके ले जाता होगा। कितने लगभग एक लीटर का कितना रुपीस देते हैं वो? वही 100 रुपए तक देते हैं। 100 रुपए तक। तो आपको लगभग एक लीटर में अगर हिसाब किया जाए तो कितना लागत आपका लगता है? एक लीटर में लागत तो मान लीजिए कि पूरे साल की खर्चा एक बक्से पे 3000 आती है। ओके। और एक साल में एक बक्से से आप कितना शहद निकालते हैं, हनी कितना निकाल लेते हैं? एक बक्से लगभग 30 किलो। एक बक्से लगभग 30 किलो निकालते हैं। और कैसे केजी सेल करते हैं? 100 रुपए केजी। 100 रुपए केजी अगर आप सेल करते हैं और 30 केजी निकालते हैं तो आपका 3000 रुपए का एक साल में हुआ। और एक बक्स पे लागत कितना हुआ? पूरे लागत हो जाती है, साल भर के खर्चा वर्चा काट के 1000 रुपया निकल जाती है बक्स। मतलब आपको 1000 रुपया पर बॉक्स बेनिफिट होता है। इसका जो फार्मिंग करने का तरीका है उस तरीका के बारे में कुछ आप एक्सप्लेन करेंगे, जिसको हमारे व्यूअर देख करके उससे कुछ सीख हासिल करेंगे। तो अभी हम चल रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे अभी फार्मिंग किए हुए हैं और जिस बॉक्स में मधुमक्खी को बटरफ्लाई को डाले हुए हैं, तो हम आपको वो बटरफ्लाई आपको डालते हैं। आइए, आप देख सकते हैं। देखिए, पहले तो चाट का बोरा है, देख रहे हैं, पन्नी है, जाली। हाँ हाँ, देख रहे हैं। अब इसके नीचे मक्खी है। बाबू हट जाओ। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि किस तरह से मधुमक्खी बटरफ्लाई का जो पकड़, मतलब पकड़ है, जैसे आप घर में जिस तरह लगाती है छाता, उस प्रकार से इसमें बनाया हुआ है। और यही है वो जिसमें शहद ये मधुमक्खी भरती है और फिर 10 से 15 दिन के बाद में उस शहद को ये निकाल लेते हैं और फिर इसको ठीक उसी प्रकार से डाल देते हैं। क्योंकि अच्छा, इसमें चूंकि मधुमक्खी आप लाते कहाँ से है इसको? इसी में पालन होती है। इसमें पालन होती है और इसमें इसी से बढ़ता है। जैसा सुनने में आता है कि इसमें एक राजा और रानी मधुमक्खी होती है। रानी होती है। और राजा? राजा तो अनेकों होते हैं। आप उस रानी मधुमक्खी को हमारे व्यूअर को बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कौन सा रानी मधुमक्खी है देखते हैं। तो फ्रेंड्स, रानी मधुमक्खी जो इसमें इस बॉक्स का, चूंकि हर एक बॉक्स में एक रानी मधुमक्खी होती है,
तो उस रानी मधुमक्खी को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम देख पाए, अगर मिलती है तो हम आपको दिखाएंगे, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो फार्मिंग करते हैं। और ये अंडे बच्चे हैं, क्योंकि इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये जो भरा हुआ है वो सभी अंडे हैं, क्योंकि हम हाथ वहां तक इसलिए नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि हमें कट कर लेगा ये टंक मारेगा। तो और आप जो ये बॉक्स में गिलास देख रहे हैं, एक सेकंड, ये जो गिलास आप देख रहे हैं इसी गिलास में इसको चीनी का घोल बना करके, लिक्विड बना करके इसमें डाला जाता है, जिसको ये मधुमक्खियां सब खाती है। और बाकी जो भी लीची या वगैरह कुछ भी अगर मोजर पकड़ रहा है, फुलाया हुआ है, उसका रस चूस करके मधुमक्खी आती है यहाँ पे और यहाँ पे शहद बनाती है। नेचुरल होती है, जो नेचुरल होती है, लेकिन ये आर्टिफिशियल आपका शहद है जो चीनी से बनाया जाता है। चीनी से शहद नहीं बनती है, शहद नेचुरल ही होता है, चीनी केवल दी जाती है खाने के लिए मक्खियों को। ओके सॉरी, जो कि चीनी ये घोल करके देते हैं मधुमक्खी को खाने के लिए, और मधुमक्खी फिर उसको अपने अंदर ट्रांसफर कर करके शहद बना करके बॉक्स में छोड़ दे। तो मिल गई फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो इस पूरे बटरफ्लावर में जो बड़ी सी एक मधुमक्खी आपको दिखाई देता होगा, ये बड़ी सी मधुमक्खी यही रानी मधुमक्खी है। और इसी रानी मधुमक्खी की वजह से, जहाँ पे मेरी उंगली है, ये सारे जो मधुमक्खियां हैं और इस बॉक्स में है, अगर ये रानी मधुमक्खी यहाँ से फ्लाई कर जाए, उड़ जाए, तो ये सारे के सारे जो मधुमक्खियां हैं यहाँ से उड़ जाएगी और इस बॉक्स में कुछ नहीं बचेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना मतलब लॉट्स ऑफ बटरफ्लायर। सो फ्रेंड्स, अच्छा आप इसके बारे में और कुछ भी बताएंगे बिजनेस से रिलेटेड जो हमारे व्यूअर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? इसके करने के लिए कृषि विभाग से जानकारी लेना पड़ेगा। ओके, कृषि विभाग कहाँ? कहीं भी लीजिए। अच्छा, कहीं भी फ्रेंड्स। तो चूंकि इनसे हम ये जानना चाहे हैं कि अगर आप इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये सलाह दे रहे हैं कि अगर आप करना चाह रहे हैं तो किसी भी कृषि विभाग से, कहीं बहुत बड़े बहुत जगह पे कृषि विद्यालय है और कृषि कॉलेज है, वहां पे आप जा करके इसका ट्रेनिंग ले सकते हैं और ट्रेनिंग लेने के बाद में इस बिजनेस को आप रन कर सकते हैं। इस बिजनेस में बहुत अच्छी खासी कमाई है, चूंकि आपको ये बताए हैं कि एक साल में एक बॉक्स पे लगभग 1000 मिनिमम बचत इनको हो जाता है और लागत जो है 3000 मैक्सिमम वन बॉक्स पे लगता है, यानी 3000 रुपया कट करने के बाद भी इनको 1000 रुपया बचता है। तो अगर आप इस तरह से 1000 अगर बॉक्स को बॉक्स का फार्मिंग करते हैं तो आपको अच्छी मात्रा में मतलब ज्यादा पैसा आपको साल में आप अच्छा खासा कमा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था बस इतना ही, फिर हम आपके साथ होंगे कोई दूसरा वीडियो लेकर के, चूंकि अभी तो हम घर पे हैं और घर पे आए हुए इंजॉय करने के लिए, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको वीडियो डालूंगा, आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज के थैंक यू वेरी मच।